नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल धीरज मैसेज में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3 में मनोहर जी की है। तो पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण दिए हैं, ठीक। तो ध्यान रखना, हम नियम कौन सा लगाएंगे, 1, 2, 3 वाला। अब देखिए क्या होता है 1, 2, 3 नियम। देखिए ये मान लेते हैं समीकरण नंबर है हमारा पहला और ये है हमारा समीकरण नंबर दूसरा। तो अब देखिए 1, 2, 3 नियम क्या है, यानी हम सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को यूज करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट कौन सा है, ये वाला। तो देखिए 2x + 3y + 8 = 0। तो हो जाएगा 2x बराबर, उधर गया माइनस का 8 और ये माइनस का 3y, तो ये आ गया 2x बराबर या x बराबर, ये 2 कहाँ जाएगा, इधर बटे में जाएगा। और इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो 8 + 3y / 2, ठीक। हमने देखा समीकरण फर्स्ट का यूज किया, प्रतिस्थापन में प्रतिस्थापित किया, यानी x का मान निकाल लिया। अब ये हमारा बन गया समीकरण नंबर थर्ड। अब देखिए हमने किस समीकरण को यूज किया है, पहले को। अब किसको यूज करना है, दूसरे को, ठीक। अब दूसरा समीकरण कौन सा है, x - y - 1 = 0। अब x का मान देखो हमारे पास ये आया हुआ है, माइनस का 8 + 3y / 2 - y, ठीक। अब ये जो माइनस का 1 है, चाहे तो उधर भेज दे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1। अब इसमें हर बराबर करेंगे तो इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे, 2 से। किस संख्या से गुणा करेंगे, 2 से। तो अब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 3y और ये माइनस का 2y और बटे में कितना, 2 = 1। अब देखिए हल होकर कितना आएगा, माइनस का 3y माइनस का 2y कितना हो गया, माइनस का 5y, फिर माइनस का 8 और ये जो बटे में 2 है इसके साथ गुणा होकर आ गया, यानी कितना हो गया, 2। तो माइनस का 5y = 2, ये माइनस का 8 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 8। तो ये आ गया माइनस का 5y = 10। तो y का मान कितना आ गया, 10/5, y का मान आ गया 2, ठीक। अब देखिए हमने सबसे पहले समीकरण पहले को यूज किया था, उसकी वजह से कौन सा समीकरण बना, तीसरा। फिर हमने किसको उतारा, समीकरण दूसरे को यूज किया और y का मान आ गया 2। अब किसको यूज करना है, समीकरण तीसरे को। तो समीकरण तीसरा कहाँ, यहाँ पर, x = -8 + 3y / 2। -8 + 3y का मान कितना आया है, -2 / 2। तो कितना हो जाएगा, -8 × 3 = 6/2। -8 × 6 = 2/2, यानी कितना आ गया, -1। अब देखिए x बराबर आया है -1, y बराबर आया है -2, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमने समीकरण फर्स्ट को यूज किया, उसकी मदद से तीसरा आया। फिर हमने समीकरण दूसरे को यूज करके y का मान निकाला। फिर हम समीकरण तीसरे का यूज किया x, यानी समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड को हमेशा यूज करना है। प्रश्न नंबर दूसरा, x - y = 3। तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए सबसे पहले किसको यूज करना चाहिए, फर्स्ट को। तो फर्स्ट को यूज करने जा रहे हैं, यानी x बराबर हो जाएगा 3, ये माइनस का y है, इधर आ गया प्लस का, यानी x का मान कितना आएगा, 3 + y। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर थर्ड। अब देखिए फर्स्ट का यूज हो गया, आप किसका यूज करेंगे, सेकेंड का यूज करेंगे। सेकेंड कौन सा समीकरण है, देखिए x / 3 + y / 2 = 6। अब x का मान कितना है, 3 + y, यानी लिखेंगे 3 + y / 3 + y / 2 = 6। अब इधर क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, तो इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे, 2 से और इसमें 3 से। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 × 3 = 6 और 2y + 3y / 6 = 6। अब देखिए अच्छे से समझिए, 2y + 3y कितना हो गया, 5y + 6 / 6 लिखेंगे, इधर गुणा हो जाएगी, क्रॉस गुणा, ठीक। तो 6 × 6 = 36। अब देखिए 5y = 36 और ये जो प्लस का 6 इधर गया, माइनस का 6 हो गया, तो 5y = 30, यानी y का मान आ गया 30/6, यानी कितना, 30/5, यानी कितना आ गया, 6।
वाई का मान आ गया 6। अब देखिए फर्स्ट का यूज किया हमने, फिर किसका यूज किया, सेकेंड का, अब करेंगे यूज थर्ड का। किसका यूज करेंगे, थर्ड का। थर्ड का ये वाला, एक्स बराबर 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई का मान कितना 6, यानी कितना आ गया 9। यानी आंसर की अगर हम बात करें तो एक्स का मान 9 और वाई का मान 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, एक्स प्लस वाई बराबर 10, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला, और तथा 2x माइनस 3y बराबर 0, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। अब सबसे पहले किसको यूज करना है, समीकरण फर्स्ट को यूज करना है। समीकरण फर्स्ट है ये वाला, तो देखिए x बराबर हो जाएगा 10, ए प्लस का वाई इधर गया माइनस का वाई, यानी x का मान आ गया 10 माइनस वाई, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर थर्ड। अब किसको यूज करना है, अब यूज करना है समीकरण नंबर दो को। तो समीकरण नंबर दो देखिए कहाँ पर है, 2x ये वाला है, माइनस का 3y बराबर 0। अब देखिए 2x का मान हमको यहाँ पर दिया है 10 माइनस वाई, माइनस का 3y बराबर 0, 2 दहम 20 माइनस 2y माइनस का 3y बराबर 0। अब देखिए 2y और 3y कितना हो गया माइनस का, माइनस का 5y हो गया, ये माइनस प्लस का 20 उधर जाएगा माइनस का 20, तो y बराबर आ गया माइनस का 20 बटे माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, यानी y का मान कितना आ गया 4, y का मान कितना आ गया 5 चक्कू 20, यानी y का मान आ गया 4। अब किसको यूज करना है समीकरण को, फर्स्ट यूज हो गया, अब इसको सेकेंड यूज हुआ, आप किसका यूज करना है थर्ड का। थर्ड कहाँ पर है, ये वाला, x बराबर 10 माइनस वाई, 10 वाई का मान कितना आया है 4, यानी x का मान कितना आ गया 6, यानी x का मान 6 y का मान 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चार, y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर कौन सा पहला, तथा 2x प्लस 3y बराबर कितना माइनस का 1, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। अब किसको यूज करना है, सबसे पहले हमको समीकरण फर्स्ट को यूज करना चाहिए, तो इसको जब हम यूज करेंगे तो हम इतना ही लिख रहे हैं y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3। अगर हम चाहते तो x का मान निकाल लेंगे, या हम चाहे तो इसी को, क्योंकि हमको x या तो फिर y का प्रतिस्थापन करना होता, तो हमने यहाँ पर किसको प्रतिस्थापित किया, ठीक, यानी y का मान निकाला, इससे पहले हम x का मान निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम छोड़ देंगे, तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर थर्ड। अब किसको यूज करना है, सबसे पहले फर्स्ट यूज हो गया, आप समीकरण सेकेंड यूज करेंगे, तो समीकरण सेकेंड क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर माइनस का 1। अब देखिए 2x हमने लिखा और 3 लिखा, y का मान कितना है 7 माइनस 4x बटे का 3 बराबर कितना माइनस का 1। अब चाहें अगर, ठीक, ये किसका मान है y का, तो चाहे तो 3 से 3 काट दें। अब देखिए 2x बराबर 2x प्लस 7 माइनस 4x बराबर कितना माइनस का 1। अब देखिए 2x में से 4x गया कितना बचा माइनस का 2x, माइनस का 1, ये प्लस का 7 इधर जाएगा माइनस का 7, तो ये हो गया माइनस का 8 माइनस का 2x, यानी x का मान कितना आ गया माइनस का 8 बटे माइनस का 2, यानी कितना x का मान आ गया 4। अब समीकरण कौन सा यूज हो गया, सेकेंड। अब किसको यूज करना है, थर्ड को। थर्ड कहाँ पर है, ये वाला, y बराबर 7 माइनस 4x बटे कितना 3, तो 7 माइनस 4 x का मान कितना आया है 4 बटे 3, तो यहाँ गया 7 माइनस 4 चक्कू 16 बटे 3, यानी माइनस का 9, 7 में से 16 जाएगा, देखिए 16 में से 7 जाएगा तो 9, और 7 में से 16 जाएगा तो माइनस का 9, यानी 3 से काट देंगे, यानी y का मान कितना आ गया माइनस का 3। तो y, तो आंसर की बात करें तो x का मान कितना आया है 4 और y का मान कितना आया है माइनस का 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 5, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि अगर आपको हल करने को कह रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वजगण विधि, किसी भी विषय आप लाएंगे तो x और y का आंसर नहीं ला पाएंगे। क्यों, क्योंकि समीकरण दो होने चाहिए, यहाँ पर सिर्फ देखने में दो समीकरण लग रहे हैं, जबकि ये दोनों समीकरण एक ही हैं। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए अच्छे से, जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख दिया x प्लस वाई प्लस 11, अगर आपके सामने सिर्फ इतना मान दे दिया जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा, तो अगर किसी बच्चे ने लिख दिया कि x का मान है 1 और y का मान है 10,
बताइए सही है सत्य है। ठीक, अगर किसी बच्चे ने लिख दिया यक्स का मान 2 वाई का मान 9, अभी भी सही है। अगर ये किसी बच्चे ने लिख दिया यक्स का मान 3 है वाई का मान 8, यानी 3 8 11। अगर किसी ने लिख दिया 4 और किसी ने लिख दिया वाई का मान 7, यानी ये सारे के सारे मान सत्य है। ठीक ठीक, किसी ने 1 10 लिखा, किसी ने 2 9 लिखा, किसी ने 3 8, किसी ने 4 7। अब देखिए यहाँ पर समझिए, हमने कैसे बताया कि समीकरण एक ही है। जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 11 दिया है, ठीक, और एक समीकरण दूसरा देखिए, अगर हम इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर दें, जैसे मान लेते हैं 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 2y बराबर 22। ठीक, 2x प्लस का 2y बराबर 22। अब बताइए ये समीकरण जो दिया है और ये समीकरण अलग अलग है कि एक ही है, क्योंकि जब हम किसी संख्या में गुणा करके लिखते हैं तो वो समीकरण हमारा वही होता है। ठीक, क्या अलग हो जाता है, कोई अलग नहीं होता। अब देखिए देखने में लग रहा है कि हमारे पास 2 समीकरण, अगर मान लो ये सवाल इस प्रकार से ना देकर यहाँ पर दे देता 2x प्लस 2i बराबर 22। अभी देखिए देखने में लग रहा है कि समीकरण नंबर ये पहला है और ये समीकरण नंबर दूसरा है, लेकिन ये दोनों समीकरण एक ही है। क्या एक समीकरण से मान निकल सकता है? नहीं। अगर दोनों समीकरण एक ही हैं तो उसके अनेक हल होंगे। देखिए ये जो हमने मान निकाले इसको भी संतुष्ट करें। देखिए कैसे, यक्स का मान हमने रखा 1, 2x कम 2, और वाई का मान कितना रखा है 10, 2 दहाँ 20, 2 20 कितना हो जाएगा 22। यानी आप किसी को भी रखिए, परमिट रूप से ये 4 नहीं अनेक हल होते हैं। जब कोई एक ही समीकरण दो प्रकार से लिख दिया जाए तो अपरिमित रूप से उसके अनेक हल होते हैं। देखिए यहाँ पर भी समझिए, अगर हम इसमें समीकरण, यह समीकरण मान लो हमारा पहला है, ठीक, और इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 3x 3 9x माइनस का 3y बराबर 3 3 9। अब देखिए ये समीकरण और ये समीकरण कोई अलग तो नहीं है, इसका मतलब ये समीकरण और ये समीकरण एक ही है। ठीक, और एक समीकरण से हल निकालना संभव नहीं है, अगर निकालना भी चाहें तो अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। देखिए कैसे, जब एक ही समीकरण, देखिए ये समीकरण जैसे कोई अलग नहीं है, या हम गुणांकों की जब तुलना करते हैं तो अगर हमारा बराबर आए, गुणांकों की तुलना में अनुपात अगर बराबर आ जाए, तीनों का अनुपात, ठीक, तब हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। देखिए कैसे, यक्ष के अगर गुणांक की बात करें, यक्ष का गुणांक कितना है यहाँ पर 3, यक्ष का गुणांक कितना है यहाँ पर 3, और इधर यक्ष का गुणांक कितना है 9, फिर बराबर यहाँ पर वाई का गुणांक कितना है, वाई का गुणांक कितना है गुणा का अंक यानी माइनस का 1, यहाँ पर वाई का गुणांक कितना है माइनस का 3। अब अचर की बात करें तो यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 9। अब देखिए ये आ गया 1/3, ये आ गया 1/3, ये आ गया 1/3। जब तीनों पद बराबर हो, तीनों का अनुपात बराबर हो, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, अब देखिए अनेक अगर हल बात करें तो कौन कौन से हल होंगे, ये देखिए x और y के अगर हम मान की बात करें तो कितने आंसर हो सकते हैं। जैसे अगर y की जगह हम रख दें 3, अगर हमने y की जगह रखा 3 तो माइनस का 3 है, उधर जाएगा प्लस का 3। ठीक, y का मान अगर हमने रखा 3 तो ये होगा 3 माइनस का 3, उधर गया किसका हो जाएगा 3 रखा तो 3 दुना 3 3 6, यानी x का मान 2। ठीक, ये का आंसर तो ये हो गया। अगर दूसरे आंसर की बात करें तो x की जगह हमने y की जगह रखा 6, उधर गया हो गया 9, तो 3 3 9, ये का आंसर ये हो गया। अगर ये इसकी जगह 9 रख दें तो उधर गया 9 3 12, यानी x का मान कितना आ गया 4, ये आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर y की जगह कितना रख दें 12, तो 12 और 3 15, तो x का मान कितना आ गया 5। अब ये जो हमने मान लिखे हैं, देखिए इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, इस समीकरण को भी, कोई भी इसका मान आप उठाकर रख दीजिए। अगर 4 9 को ही रखते हैं तो देखिए 9, यक्स का मान हमने कितना रखा है 4 माइनस 3, वाई का मान कितना रखा है 9 बराबर 9। देखिए 9 चौक 36 माइनस 9 3 27, देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। ठीक, इसका मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब तीनों गुणांकों की तुलना करने पर अनुपात बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि ये समीकरण ये समीकरण में कोई फर्क नहीं, एक ही समीकरण है और एक समीकरण से हम यक्ष वाई का मान नहीं निकाल सकते हैं। छठा, यक्ष प्लस 2y-4 बराबर 0, 2x+2y-12 बराबर 0, यक्ष और वाई के मान निकालना है। तो देखिए अच्छे से समझिए, यक्ष प्लस
टू आई माइनस का चार उधर गया प्लस का चार हो गया, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। और इधर देखिए ये हो जाएगा दो एक्स प्लस का चार वाई बराबर कितना माइनस का बारह, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यक्स के वाई यक्स वाई यक्स वाई के गुणांक लगभग एक ही है। देखिए कैसे, अगर हम इसमें समीकरण दो से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा दो यक्स दो दुना चार वाई बराबर आठ, और इधर समझिए दो एक्स प्लस चार वाई बराबर माइनस बारह। ठीक, ये माइनस का बारह था उधर गया प्लस का बारह। अब देखिए दो एक्स प्लस चार वाई का मान यहाँ पर दिया है बारह और यहाँ पर कितना दिया है आठ। क्या ऐसा संभव है कि यहाँ पर दो एक्स प्लस चार वाई का मान दिया है आठ और यहाँ पर दिया है बारह? इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। अब देखिए हल होता कब नहीं है, कब हल होता है कब, ठीक है। यक्स वाई के गुणांकों की और अचर पद की तुलना जब करते हैं तो देखिए यक्स के गुणांकों की तुलना अगर हम इस समीकरण जो हमारा समीकरण मेन दिया था उससे तुलना करते हैं तो देखिए यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना है एक और यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना है दो बराबर, यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है दो और यहाँ पर एक्स का वाई, यहाँ पर वाई का गुणांक कितना है दो, यहाँ पर वाई का गुणांक कितना है चार। अब देखिए इनमें अगर हम तुलना करते हैं सिर्फ सिर्फ इतने इसमें तो एक अनुपात दो ही दिया है, एक अनुपात दो यहाँ पर दिया है, एक अनुपात दो यहाँ पर दिया है। ठीक, और फिर आगे जब अचर पद की तुलना करते हैं तो देखिए माइनस का चार है और माइनस का बारह है तो इसका कितना है एक बटे तीन। तो जब ए वन बटे ए टू यानी ए यानी यक्स समझ लीजिए यक्स, ठीक, एक्स वन बटे एक्स टू बराबर वाई वन बटे वाई टू बराबर सी वन बटे सी टू, अगर तीनों अनुपात बराबर होते, देखा एक बटे दो एक बटे दो एक बटे तीन है यहाँ पर, तो तीनों तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दो बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो इसका होता है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर तीनों बराबर होते तो इसके अनेक हल होते, जैसे यहाँ पर एक बटे दो आया है, इसी प्रकार यहाँ पर चार की जगह यहाँ पर अगर यहाँ पर आठ लिखा होता तो एक बटे दो आ जाता और इसके अनेक हल होते। कितने हल होते? अनेक। जब x1, x2 बराबर y1, y2, y1 1 किस लिए, क्योंकि समीकरण पहला है तो 1 1 और 2 है c1 बटे c2। जब तीनों बराबर होते तो होता अनेक हल है। कितने हल हैं? अनेक हल हैं। तो ये जो समीकरण दिया है इसमें देखिए दो अनुपात बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, x1 बटे x2, y1 बटे y2 ये अनुपात क्या है बराबर, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, अतः इसका कोई हल नहीं है। इसको आप लगाएंगे इसका कोई हल बराबर नहीं आएगा। नंबर सात, दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर एक और चार एक्स माइनस वाई बराबर नौ। तो मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर फर्स्ट और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। अब सबसे पहले किस समीकरण को यूज करेंगे? सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को यूज करेंगे। तो समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है देखिए अच्छे से, दो एक्स प्लस तीन वाई यानी दो एक्स बराबर हो जाएगा एक और ये प्लस का तीन वाई इधर गया माइनस का तीन वाई, क्योंकि प्रतिस्थापन भी इससे चल रहा है। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा वन माइनस तीन वाई बटे दो, यानी ये आ गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट को यूज किया, अब किसको यूज करना है? समीकरण सेकेंड को। तो समीकरण सेकेंड कहाँ पर है? ये वाला। तो चार यक्स का मान वन माइनस तीन वाई बटे दो माइनस वाई बराबर नौ। अब देखिए चाहे तो इसका हर बराबर करें या फिर दो से इसको काट दें, तो जो दो से जब चार को काटेंगे तो कितना आ जाएगा दो, फिर दो एक्कम दो माइनस दो तिया छः वाई माइनस वाई बराबर नौ। अब देखिए माइनस का छः वाई और माइनस का दो वाई कितना हो गया माइनस का सात वाई बराबर नौ, और ये जो प्लस का दो है उधर गया माइनस का दो, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा अच्छे से समझिए, माइनस का सात वाई बराबर सात, यानी वाई का मान आ गया सात माइनस सात, यानी वाई का मान आ गया माइनस का एक। अब देखिए यहाँ पर ये जो समीकरण फर्स्ट यूज किया था तो ये हमारा समीकरण कौन सा बना था? थर्ड बना था। ठीक, समीकरण फर्स्ट थर्ड, अब सेकेंड को यूज किया, आप किसको यूज करना है? थर्ड को। थर्ड कहाँ पर है? ये वाला। तो देखिए यक्स बराबर हो जाएगा एक माइनस तीन, वाई का मान कितना आया है माइनस का एक बटे दो, यानी कितना हो गया एक माइनस माइनस प्लस का तीन बटे दो, यानी कितना हो गया चार बटे दो, यानी यक्स का मान कितना आ गया दो। यक्स का मान दो है, वाई का मान माइनस एक है, यानी यक्स का मान दो और वाई का मान माइनस एक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर आठ, तीन एक्स प्लस वाई प्लस सात बराबर जीरो और एक्स माइनस सात वाई माइनस पाँच बराबर जीरो। तो मान लेते हैं ये समीकरण पहला है या फिर इस रूप में बना देते हैं,
तीन एक्स प्लस वाई बराबर, ये जो प्लस का साथ इधर गया माइनस का साथ, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर पहला। और इधर देखिए एक्स माइनस सात वाई बराबर, ये जो माइनस का पाँच इधर आ गया प्लस का पाँच, ये बन गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब जो प्रतिस्थापन विषय हल करते हैं तो सबसे पहले किस समीकरण को यूज करेंगे, समीकरण फर्स्ट को। तो समीकरण फर्स्ट देखिए तीन एक्स बराबर माइनस सात, ये जो प्लस का वाई है उधर जाएगा माइनस का वाई हो जाएगा, और यक्स बराबर हो जाएगा, इसमें चाहे तो माइनस कामन ले ले, तो सात प्लस वाई और बटे में कितना आ जाएगा तीन, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर थर्ड। हमने बताया सबसे पहले किस समीकरण को यूज करना है, पहले को, अब किसको यूज करना है दूसरे को। दूसरा कहाँ, यहाँ पर देखिए यक्स माइनस, देखिए यक्स का मान हमको पता है कितना है, माइनस सात प्लस वाई बटे तीन, माइनस सात वाई बराबर कितना पाँच। अब देखिए बटे में तीन लिखा है, हर बराबर करेंगे तो इसमें एक लिखेंगे, किस संख्या से गुणा करेंगे तीन से, तो ये हो जाएगा माइनस का सात और माइनस का वाई, और ये माइनस का इक्कीस वाई बटे में तीन बराबर पाँच। अब देखिए इक्कीस और ये कितना हो गया, इक्कीस और एक वाई माइनस का बाईस वाई माइनस का सात, और ये बटे में तीन है उधर गया, गुणे में तीन पचे पंद्रह। अब देखिए माइनस का बाईस वाई बराबर पंद्रह, और ये माइनस का सात है उधर जाएगा प्लस का सात, यानी कितना हो जाएगा बाईस, माइनस का बाईस वाई बराबर बाईस, वाई बराबर बाईस बटे बाईस, यानी कितना आ गया माइनस का एक। अब इस, अब देखिए समीकरण कौन सा यूज हो गया, दूसरा। अब यूज करेंगे तीसरे को, तीसरा देखिए यहाँ पर है, तो यक्स बराबर माइनस सात प्लस वाई का मान कितना आया है माइनस का एक बटे तीन, बराबर हो जाएगा देखिए माइनस सात में से एक गया छः बटे तीन, यानी माइनस का दो। तो आंसर की हम बात करें तो यक्स का मान है माइनस का दो और वाई का मान है माइनस का एक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर नौ, तीन एक्स बटे दो माइनस पाँच वाई बटे तीन बराबर माइनस दो। तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर पहला, और एक्स बटे तीन प्लस वाई बटे दो बराबर तेरह बटे छः, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए सबसे पहले किसको हल करना है, समीकरण फर्स्ट को। और प्रतिस्थापन विधि तो अच्छे से समझिए, तीन एक्स बटे दो बराबर, ये जो माइनस का है उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, और ये जो है वो तो है ही माइनस का तीन। अब इधर जब हर बराबर करेंगे तो देखिए तीन एक्स बटे दो बराबर, इधर तीन से हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा पाँच वाई माइनस तीन दुना छः बटे कितना तीन। तो यक्स का अगर बात के बात मान करें तो ये जो दो है ये कहाँ चला जाएगा, पाँच वाई बटे छः, ये दो आ गया इसके साथ में, और ये तीन किसके साथ खेला जाएगा इसके साथ में, तीन के साथ में, यानी यक्स का मान इतना आ गया, यानी यक्स का मान कितना आ गया दो पंचे दस वाई माइनस दो छाक बारह बटे तीन तिया नौ, ये बन गया हमारा नंबर समीकरण नंबर थर्ड। अब पहला यूज हो गया, अब किसको यूज करना है दूसरे को, दूसरा समीकरण ये वाला है। तो यक्स बटे तीन, तो यक्स का मान कितना आया है दस वाई माइनस बारह बटे नौ, और बटे में कितना तीन, ये तो यक्स का मान लिखा है हमने सिर्फ, यक्स बटे तीन प्लस वाई बटे दो बराबर तेरह बटे छः। तो ये नौ किसके साथ में आ जाएगा इसके साथ में, तो कितना हो जाएगा दस वाई माइनस का बारह बटे तीन नवा सत्ताईस प्लस वाई बटे टू बराबर तेरह बटे छः। अब हर बराबर करेंगे तो इसमें सत्ताईस से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, सत्ताईस दुना चौवन, और इसमें किस संख्या से गुणा कर देंगे दो से ऊपर नीचे, तो दो और दस की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बीस वाई माइनस बारह दुना चौबीस, और ये प्लस का कितना सत्ताईस वाई बटे कितना चौवन, सत्ताईस दुना चौवन। अब देखिए क्या हो जाएगा बराबर तेरह बटे छः, तो ये आ गया बीस और सत्ताईस कितना होता है सैतालीस वाई माइनस का चौबीस बटे चौवन बराबर तेरह बटे छः। अब ये चौवन अगर हम चाहें तो यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक। तो इसको अगर हम चाहें तो इस प्रकार से बटे में ना लिखकर यहाँ पर चौवन लिख देंगे, ठीक। और छः से ये जाएगा कर छः नाम चौवन, छः नाम चौवन, ये चौवन जो बटे में आ गया तेरह के साथ में, और छः से चौवन गया कट, छः नाम चौवन। अब ये सैतालीस वाई बराबर तेरह नवा एक सौ सत्रह,
ये जो माइनस का 24 है उधर जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, तो 47y बराबर हो जाएगा 7 और 4 11, हासिल आया 1 2 1 3 1, हासिल आया था 4 और 141, तो y बराबर कितना हो जाएगा 141/27 47 और 47 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 47 × 3 = 141 होता है, ठीक, 50 × 150 होता है और 47 × 3 = 141, यानी y का मान कितना आ गया 3। अब देखिए समीकरण दूसरा यूज हो गया, समीकरण तीसरे को यूज करने जा रहे हैं, तीसरा का यहाँ पर समझिए, 10 y का मान कितना आया है 3 − 12/9, 10 × 3 = 30, 30 में से 12 आ गया 18 18/9 यानी 2, तो x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, x का मान 2 और y का मान 3। प्रश्न नंबर 10, 2x + 3y = 11, ये मान लेते हैं समीकरण कौन सा है फर्स्ट, 2x + 3y = 11, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला। फिर कह रहा है 2x − 4y = −24, 2x − 4y = −24, ये कौन सा समीकरण है, समीकरण दूसरा। अब बात करते हैं, देखिए अच्छे से समझिए क्या होता है, 2x + 3y = 11, 2x − 4y = −24, अब ये दो समीकरण बन गए, हमको यूज कैसे किया था समीकरण पहला दूसरा तीसरा, तो पहला ही देखते हैं ये, तो देखिए ये हो जाएगा 2x = 11, ये जो प्लस का 3 है वाई इधर गया माइनस का 3y, तो यानी यक्स का मान आ गया 11 − 3y/2, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर तीसरा। अब किसको यूज करेंगे, दूसरे को, तो देखिए 2 लिखा, यक्स का मान ये वाला है 11 − 3y/2 −4y = −24, अब देखिए ये 2 से 2 गया कट गुड़े में है, तो ये आ गया 11 − 3y − 4y = −24, अब देखिए माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा −7y −24, ये प्लस का 11 है उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 11, तो माइनस का 7y = −35, यानी y का मान कितना आ जाएगा −35/−7, y का मान आ गया 5। अब क्या करेंगे, समीकरण दूसरा यूज हो गया, अब तीसरे को यूज करेंगे, तीसरा देखिए 11 − 3 y का मान कितना आया है 5/2, 11 − 3 = 15/2, 11 में से 15 गया −4/2, जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा −2, यानी x का मान कितना आया −2, y का मान कितना आया 5, ये आंसर आया x और y का। अभी हमें कह रहा है यदि मैम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है, यानी y = mx + 3 है, तो y का मान कितना आया है 5, m का मान ज्ञात ही करना है, m का मान ज्ञात कीजिए, x का मान कितना है −2 + 3, अब देखिए प्लस का 3 है ठीक, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, 5 − 3 = −2m, ये आ गया 2/−2m, तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर 2/−2, 2/−2 यानी −1, तो x का मान −2, y का मान 5 और m का मान कितना आ गया −1, ये हमारे तीनों क्या हो जाएंगे आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।